क्या होने वाला है। सो आप इस बात को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बेबी एक जगह तो बैठते ही नहीं है, तो यहाँ वहाँ क्रॉल करते हैं, बहुत भागते हैं और चलते ही रहते हैं, मतलब पूरा घर में यहाँ वहाँ घूमते हैं। अब ऐसे में क्या कर सकते हो, कहाँ जाओ, क्या करो, मैं क्या करती हूँ ना, मैं सिंपली ये जो मेरी जगह है ना लिविंग रूम, यहाँ पर मैं बिछा लेती हूँ प्ले मैट। डेली की एक्टिविटी है मेरी और चिकू की, यहीं पे बिछा करके मैं बैठ जाती हूँ और अच्छी खासी अट्रैक्टिव प्ले मैट है हमारे पास कई सारी, तो मैं उनका यूज़ करती हूँ। चिकू को बड़ा मज़ा आता है यहाँ खेलने में। आने दो ना, आने दो ना, आने दो ना, आ जाओ आ जाओ। सारी चीज़ें पूरी हो चुकी है, बर्थडे भी हो गया, मुंडन हो गया एंड पोस्ट बर्थडे मंदिर ट्रिप जो थी, टेंपल ट्रिप, वो भी हमारी हो चुकी है, सब कुछ हो गया है। सो आप लोग पूछ रहे थे बर्थडे के बारे में किस तरीके से हमने प्लान किया, यानी बर्थडे वगैरह का जो पूरा प्रोसीजर था, वेन्यू बुकिंग कब करी, डेकोरेशन में कितने चार्जेस आए, क्या क्या चीज़ें हमने इंक्लूड करी, इन रिटर्न गिफ्ट्स क्या थे और जो बर्थडे के आउटफिट्स वगैरह थे वो हमने कितने के लिए, इन क्या क्या था, तो ये सारी चीज़ें बहुत कन्फ्यूजन थी। सो बर्थडे पार्टी जब भी आप प्लान कर रहे हो ना, मेरा जो पर्सनल ये एक्सपीरियंस रहा है, आपको एज अर्ली एज यू कैन, लाइक वन मंथ एगो या फिर दो महीने पहले ही आप सारी चीज़ें प्लान कर लो, पहले डिसाइड कर लो कि आपको बर्थडे कहाँ करना है, बर्थडे कैसे करना है, बर्थडे का बजट क्या होगा एंड बर्थडे में कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोगों को आप इनवाइट कर रहे हैं, बर्थडे के रिटर्न गिफ्ट्स क्या होंगे, कितने बच्चे, कितने रिटर्न गिफ्ट्स होंगे एंड ऑल्सो इसके बाद ये सारी चीज़ें जो डिसाइड हो जाती है, वेन्यू मेन्यू फूड मेन्यू वगैरह सब डिसाइड होने के बाद में बेबी की ड्रेस, आपकी ड्रेस, आपके हस्बैंड की ड्रेस, कोई थीम है पर्टिकुलर तो फैमिली की ड्रेस आउटफिट क्या होगी, सब कुछ आप प्लान आउट कर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए क्विकली, जहाँ से जो सोर्सेज निकाल करके, ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर से या फिर कहीं और से जहाँ से आप लेना चाहते हैं, आप बाय करके रेडी करा लीजिए, ड्राई क्लीन करा लीजिए। इसमें बहुत टाइम लगता है, मतलब एक महीना तो यूं बीत जाता है और आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, तो ये सब रेडी आपको कर लेना है। अब वेन्यू वगैरह लाइक अपने मन का नहीं मिलता है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती, तो आपका बजट क्या है। सो हर सिटी का जो बजट होता है, हर सिटी का जो वेन्यू या फिर कोई भी और चीज़ होता है, उसका जो रेंट या फिर चार्जेस होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं एंड ऑल्सो आपके ही सिटी में लोकेशन पर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं एंड वेन्यू कैसा है, नॉर्मल गार्डन से कर रहे हो आप या फिर रेस्टोरेंट से कर रहे हो, होटल से कर रहे हो या फिर थ्री स्टार फोर स्टार होटल से कर रहे हो, फाइव स्टार होटल से कर रहे हो, तो इन सबका बजट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपका बजट क्या है, आपका बजट 50,000 है, आपका बजट 1,00,000 है, आपका बजट 5,00,000 है, आपका बजट अंडर 10,000 है, ये सब कुछ आपको डिसाइड कर लेना है। पार्टी घर पे करना चाहते हो आप, पार्टी आप बाहर करना चाहते हो या फिर आप पार्टी बहुत ग्रैंड करना चाहते हो, ये भी आपको डिसाइड कर लेना है। जब आप ये डिसाइड कर लोगे ना, तो आप बहुत ही स्मूथली आपकी पार्टी प्लान कर पाओगे और चीज़ें ऐड ऑन कर पाओगे। लाइक अगर हम घर में कर रहे हैं तो हम बहुत सारा चीज़ घर पे भर नहीं सकते हैं, सिंपल तरीके से अच्छा सा एक सोबर सा डेकोरेशन करा लिया हमने, हमारे घर के लोग इकट्ठा हो गए, कुछ खास फ्रेंड्स इकट्ठा हो गए, तो हम कर सकते हैं पार्टी। बाहर अगर हम कर रहे हैं गार्डन से या फिर किसी होटल से कर रहे हैं, तो वहां पर डेकोरेशन की या फिर चीज़ें ऐड करने की थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, पॉसिबिलिटीज भी बढ़ती हैं, खर्चे भी बढ़ते हैं, तो ये दोनों ही तरह से आपको क्लियर रहना है कि अगर आप करना चाहते हैं तो बजट का भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक बार ही आपका वेन्यू डिसाइड हो जाता है कहाँ पर कर रहे हो आप, अगर आप बाहर कर रहे हैं तो आप बुक कर लीजिए वेन्यू ऑन टाइम, क्योंकि बुकिंग बड़ी फास्ट हो जाती है स्पेशली वेडिंग सीजन के टाइम पे ना, बर्थडे संगीत शादी कुछ भी होता है एंगेजमेंट, सब में वेन्यू बुक हो जाते हैं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो उसके बाद में डेकोरेशन का जो काम होता है वो स्टार्ट होता है। अब आजकल बर्थडे की थीम
बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, मतलब काफी टाइम से ही बर्थडे थीम्स वगैरह भी चल रही हैं और लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बर्थडे थीम में अपने बच्चों का बर्थडे करते हैं, फर्स्ट बर्थडे, थर्ड बर्थडे, फिफ्थ बर्थडे, सेवन बर्थडे, ऐसे बहुत अलग अलग थीम्स देखने को मिलती हैं। आप थीम डिसाइड कर लीजिए और थीम के अकॉर्डिंग आप प्लान कर लीजिए कलर स्कीम। आपके बर्थडे का कोई पर्टिकुलर कलर होने वाला है, बैक स्टेज पे क्या डेकोरेशन होने वाली है, पिंटरेस्ट से आप फोटोज निकाल लीजिए डिजाइन की, फर्स्ट बर्थडे या फिर कोई भी और माइलस्टोन आपके बच्चे ने अचीव किया है तो उसकी बहुत सारी अच्छी और बहुत ही डिफरेंट ब्यूटीफुल फोटोज आपको मिल जाएंगी, आइडियाज मिल जाएंगे, वहां से आइडियाज लीजिए। आपका जो भी डेकोरेटर है उससे आप बात करिए किस तरीके से बनेंगे, क्या प्लान होगा, बजट डिसाइड करिए उस डेकोरेशन के लिए और फिर फाइनल करके फोटोज वगैरह पे आप जिस तरीके से मैक्सिमम आप समझा सकते हैं आपका कॉन्सेप्ट, दो तरीके से हम कर सकते हैं, या तो आप उन्हें समझाइए या फिर वो रेडी टू मेक वाली जो चीजें लेकर के आते हैं उनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप बस उसको करवा लीजिए। तो लाइक मेरे साथ क्या था कि नहीं, मेरा एक पर्टिकुलर आइडिया है, मेरा खुद का कॉन्सेप्ट है कि मेरा मैंने कुछ चीजें, कुछ आइडियाज मैंने पिंटरेस्ट से लिए, कुछ खुद का भी कॉन्सेप्ट था, कुछ डेकोरेटर के जो डेकोरेशन था फोटोज वगैरह उसको भी मैंने देखते हुए और फिर एक फाइनल लुक था जो रेडी किया और फिर उसको समझा दिया कि मुझे क्या क्या चीजें चाहिए। मुझे एक मेटालिक बैकड्रॉप चाहिए था, मुझे रेनबो चाहिए था, अभी ट्रेंडिंग थीम जो चल रही वो चाहिए था, ग्लॉसी बलून्स चाहिए थे, मैट वाले पेस्टल बलून्स चाहिए थे, स्पेसिफिक रेनबो बनाना था तो उसके लिए डिफरेंट बलून आता है वो चाहिए था। तो ऑल्सो इसके साथ डेकोरेशन में मेरा जो थीम था वो था ड्रीमी यूनिकॉर्न, यानी कि क्लाउडी क्लाउडी ड्रीमी सा ऐसा लुक मैं देना चाह रही थी। सो उसके लिए फिर मैंने जो जो ड्राई आइस आती है ना, स्मोक टाइप का वाइपर सा होता है वो चाहिए था, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव गया था उसका अरेंजमेंट, लेकिन करना था और मैंने प्लान किया था और ये सब चीज़ें रिपीट नहीं होती तो मैंने वो चीज़ ली उसे डेकोरेटर को बोल करके। डेकोरेशन में क्लाउड चाहिए थे तो वो सब मैंने उनको बताया कि मुझे हैंगिंग क्लाउड चाहिए बलून के, वो भी उन्होंने ला करके दिया। एंट्री में मुझे कार चाहिए थी, एंट्री में मुझे यूनिकॉर्न वाला जो वो सॉफ्टवेयर वाला होता है ना, जो वॉकिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जो पहन के कॉस्ट्यूम चलते हैं ना बंदे, तो वो मुझे यूनिकॉर्न में चाहिए था लेकिन वो अरेंज नहीं हो पाया बिल्कुल लास्ट मिनट। आपको पता है कि हमारी पार्टी प्लान हुई थी तो वो नहीं अरेंज हो पाया, तो एक वो मिसिंग था जो मेरे कॉन्सेप्ट में था। बाकी सारी चीजें कम्प्लीट हो गई थी, डीजे भी डेकोरेशन के साथ ही था एंड उसके साथ मैजिक शो हमने किया था क्योंकि बहुत ज्यादा ह्यूज पार्टी तो थी नहीं इसलिए हमने सिर्फ मैजिक शो रखा। गेम्स थे वहां पे, जो गेम्स चल रहे थे वो एंकर ने करवा दिया, एंकर थी एंड जो स्टेज था हमारा केक कटिंग के टाइम पर भी हमने ड्राई आइस वहां पे करवाई। एक्चुअली हमारा जो डांस परफॉर्मेंस था वहां पर ड्राई आइस का काम था कि वो क्लाउडी क्लाउडी सा लुक आता उस पर्टिकुलर सॉन्ग पे, लेकिन वो हो नहीं पाया तो फिर हमने केक कटिंग के टाइम पर वो अरेंज करवाया। एंड देन जो मेरा होता है ना एक जो मेरा इमेजिनेशन था वो वहां पर पूरा हो गया, कंप्लीट पिक्चर वहां पर बनकर के आ गया और आपने देखा कि जो बर्थडे की फोटोज थी वो कैसी थी। मैं आगे भी फोटोज शेयर करूंगी। तो इस तरीके से हाउ आई प्लान माय डेकोरेशन एंड एवरीथिंग। सो इसमें अराउंड यहाँ का जो चार्जेस थे, देखिए डेकोरेशन का डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस होते हैं, जो ये बेसिक डेकोरेशन होती है बेसिक टाइप की चीज होती है ये 2500 से शुरू हो जाते हैं डेकोरेशन एंड 12 से 15,000 तक जाते हैं ना। अगर आप कोई स्पेसिफिक थीम ऐड कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर चीज आपको चाहिए तो ये आपके 10,000 से स्टार्ट होते हैं डेकोरेशन, 50,000 एंड अबव तक भी जाते हैं जैसा आपका डेकोरेशन है, जितना बड़ा एरिया है उस पर डिपेंड करता है। सो हमारा सब कुछ मिला करके सारी चीजें लेकर के हमारा 32 के आसपास गया और बाकी सारी चीज़ मुझे ऑनेस्टली मुझे नहीं पता है क्योंकि लास्ट मिनट हमारा वेन्यू डिसाइड हुआ तो हम साथ में हर जगह नहीं जा पाए और क्विकली बस ये था कि करके डन करना है। सो स्टिल आई हैव टू फिगर आउट कि कहाँ पर कितना खर्च हुआ क्योंकि सब ने अपने हिसाब से अलग अलग खर्चा करा, मैंने अलग किया, मेरे हस्बैंड ने अलग किया और सब ने अलग किया। सो एक होता नहीं कि फैमिली पहले बजट डिसाइड होता है, हमारा भी एक बजट था कि लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ज्यादा ही खर्चा हो गया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट में खर्चे होते हैं, एक साथ नहीं खर्चा होता है, इंस्टॉलमेंट में होता है। सो आई गेस कुछ ऐसा ही हुआ और जो हमारे जो गेस्ट थे हमने अराउंड 70 गेस्ट का किया था प्लान बट 95 के अराउंड गेस्ट रिकॉर्ड हुए वहां पर जो हमने होटल से किया, मैंने आपको बताया ही था। और स्टिल कितना खर्च हुआ, क्या पे आउट था ये मुझे अभी भी नहीं पता है और हमारे यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करते इन सब चीज़ों के बारे में। सो प्लीज़ आप ये फील मत करिएगा कि मैंने बस आपने शेयर नहीं किया है, मैं मैक्सिमम चीज़ जो होती है आपने शेयर ज़रूर करती हूँ। एंड अब ड्रेसेस का क्या था कि ड्रेसेस मैंने बहुत पहले ही ऑर्डर कर दी थी, आपको मैंने बताया था मैंने मई में ही ऑर्डर करी थी फॉर एवर किड्स से, वहां पर उस समय बाय टू गेट वन वाली सेल चल रही थी, स्टिल मुझे डिस्काउंट काफी अच्छा मिला,
मुझे एक ड्रेस उस डिस्काउंट पे मिली और मैंने 3 ड्रेसेस परचेज करी थी, पार्टी ड्रेसेस, जो कि मुझे 6,500 रुपए में 3 ड्रेसेस मिल गई थी। मैंने अनिका की ड्रेस कस्टमाइज कराई थी, चीकू की ड्रेस मैंने ऑनलाइन परचेज करी, जो स्कर्ट टॉप का सेट था वो, और सेम उसी कलर में मैंने अनिका की जो ड्रेस थी उस पर्टिकुलर डिजाइन में वो कस्टमाइज करा ली थी। तो उसके लिए मैंने एडिशनल 500 रुपीज और पे किया और मुझे मेरे मन की जो ड्रेस थी वो मिल गई। फुटवेयर वगैरह मैंने H&M से लिए थे और दोनों के ही फुटवेयर मिलाकर के अराउंड मुझे 2,000 रुपीज मैंने पे किया दोनों ही फुटवेयर का। इसके बाद बोज एंड हेयर बैंड्स वगैरह मैंने सेंट्रो से लिए, अमेजोन से लिए, तो ये भी मुझे अराउंड 500 to 600 रुपीज में आ होगा। एक्सेसरीज वगैरह जो थी बेसिक थी, इसके अलावा मैंने कुछ किया नहीं। मेरी खुद की जो साड़ी थी वो पड़ी हुई थी घर पे, 3-4 साल पुरानी, मैंने ऑनलाइन ली थी, लेकिन कहाँ से ली ये भी मुझे नहीं पता, याद नहीं है अभी, क्योंकि तो इतनी सारी शॉपिंग हम करते रहते थे ना ये चैनल के लिए, हॉल वीडियो और ये वो, तो कब लिया क्या लिया वो याद नहीं है। सो मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा और हस्बैंड के पास भी कुछ था, शर्ट ले ली, शूज ले लिया, इस तरीके से हमने कर लिया। तो कोई अलग से शॉपिंग हमने हमारे ऊपर डेडिकेटली नहीं करी, एक्सेप्ट फुटवेयर, फुटवेयर मैंने ले लिया था। सो दिस इज हाउ आई प्लान्ड एंड कंप्लीट हुआ। फोटोग्राफर मुझे मेरी जो फोटोशूट आर्टिस्ट हैं उन्होंने शेयर किया था, रिकमेंड किया था, तो मैंने उनसे बात करी। इंस्टाग्राम पेज जो है मैं वो शेयर कर दूंगी, मेरे डेकोरेटर का जो भी पेज डिटेल है इंस्टाग्राम से वो भी शेयर कर दूंगी मैं, तो आप अगर नागपुर में हैं तो आप बात कर सकते हैं। और इनके भी डिफरेंट पैकेजेस होते हैं फोटोग्राफर के भी, हमने एक्चुअली पहले हमने जो पैकेज लिया था उसमें कुछ चीज़ें एड ऑन हो गई हैं, सो नाउ इट विल बी लाइक डिफरेंट। तो अराउंड आपको 17,000 से 40,000 तक के बीच के डिफरेंट पैकेजेस हैं जिसमें आप देख सकते हैं आपके लिए कोई स्पेसिफिक पैकेज, एंड दैट्स इट आई गेस। एनी वन मोर थिंग, रिटर्न गिफ्ट में भूल गई बताना आपको, मैंने पहले ब्लॉग में बताया है, दिखाया भी हुआ था। रिटर्न गिफ्ट में मैंने स्टेशनरी आइटम लिया था, दो तरह के रिटर्न गिफ्ट थे, एक बॉय के लिए था, गर्ल के लिए था, छोटा बच्चा एंड बड़ा बच्चा दोनों को ध्यान में रखते हुए मैंने लिया था। एंड ऐसे गिफ्ट लिए थे कि जो कि घर में किसी ना किसी को तो हेल्प आ ही जाएंगे अगर बच्चों के नहीं आए तो। सो ये मैंने गिफ्टों से ऑर्डर किया था और गिफ्टों में बहुत अफोर्डेबल रेंज में आपको बहुत ही अच्छे थीम बेस्ड प्रोडक्ट मिल जाते हैं, रिटर्न गिफ्ट मिल जाते हैं, रिटर्न फेवर्स मिल जाते हैं, आप ले सकते हैं एंड बल्क में आप ऑर्डर कर सकते हैं। लाइक अगर 50-60 आपको नंबर ऑफ गिफ्ट लेने हैं तो आप वहां से एक ही गिफ्ट ले सकते हैं सारे। सो और पैकिंग वगैरह भी आपको वहीं से मिल जाती है, मैंने सेपरेट पैकिंग ली थी वो अमेजोन से ली थी, और जो पैकेट्स थे कैरी बैग वो भी मैंने अमेजोन से लिए थे। जो रिटर्न गिफ्ट्स थे वो मुझे अराउंड 200 to 300 रुपीज के बीच में पड़े विद पैकिंग। सो ये था एंड आई गेस या कुछ चॉकलेट्स भी थी जो कि गेम्स पे हमने यूज करी, दैट्स इट। सो गाइज आपने पिछले व्लॉग में देखा कि हम गए थे चीकू के मुंडन एंड बर्थडे के बाद में मैहर मंदिर दर्शन के लिए। वैसे तो हमारी इच्छा थी कि हम चीकू का जो मुंडन है वो मैहर में ही करवाएं, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया, और बोलते हैं ना जब माता का बुलावा होता है भाई तभी हम उनके दर्शन के लिए जा पाते हैं, तो मौसम बहुत अच्छा था और हम जा करके आए। बस वन नाइट स्टे किया, सुबह दर्शन किया और दिन में ही हम वहाँ से निकल गए वापस नागपुर के लिए। और रास्ता बहुत अच्छा था, मतलब मज़ा आ गया, मौसम भी बहुत सुंदर हो गया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। रास्ते में हमें मिला वेस्ट साइड, जो कि एक अमेजिंग सा रेस्टोरेंट है अराउंड, ये आपको मिल जाएगा जबलपुर के आसपास ही आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर आप मिडवे रेस्टोरेंट में आप स्टे कर सकते हैं, स्टे का मतलब खाना वगैरह अगर आप खाना चाहते हैं, स्नैक्स लेना चाहते हैं, आपकी जो मील्स होती हैं, बाइट्स होती हैं, ट्रैवल बाइट्स होती हैं, वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। खाना बहुत अच्छा है, बहुत साफ़ सुथरी सी प्लेस है, एक एक चीज़ बहुत अच्छी, गार्डन भी है, सेपरेट आइसक्रीम पार्लर भी है, वॉशरूम तो बहुत सही था, मतलब पूरा अच्छे से नीट क्लीन, क्योंकि हमारे बच्चे क्या है ना वो थोड़ा भी डर्टी होता है वॉशरूम तो वहाँ जाते नहीं है, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आप वहाँ पे जा सकते हैं। ऑल्सो खाने पीने का जो मेन्यू था, अब यहाँ पे वेज आपको मिल जाएगा, सबसे अच्छा वेज ही है, एंड खाने का जो टेस्ट था वो भी काफ़ी अच्छा था, प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा था, सर्व भी कर दिया उन्होंने हमें, तो हमें कुछ भी और करना नहीं पड़े। एक अच्छा जो रेस्टोरेंट होता है बिल्कुल वो सारी फैसिलिटीज़ हमें यहाँ पर मिली, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हो अगर आप नागपुर से या फिर नागपुर होते हुए मैहर जा रहे हैं या जबलपुर जा रहे हैं, सो ऑन द वे यू विल गेट दिस। पहुँचते नागपुर हमें काफ़ी लेट हो गया एंड खवासा में हमें मिला ये विला 44, यहाँ हमने सिर्फ खिचड़ी ऑर्डर करी। Try again.
इसको देखो चढ़ के क्या करे, क्या कर रहे हो वहाँ चढ़ के? नहीं नहीं वहाँ चढ़ के क्या कर रहे हो पहले मुझे बताओ। 10 बार आप यहाँ से नीचे आ चुके हो और ऊपर जा चुके हो, देखो बी केयरफुल।